Hello students, how are you? I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel Kiran Poonia. Let's start our study with smiley face and fresh mind. Students, आज हम करेंगे exercise 7.1 के question number 7 and 8 को discuss. Question number 7 is AB is a line segment and P is its midpoint. AB एक line segment है और P इसका क्या है midpoint है. D and E are points on the same side of AB. D और E जो point हैं वो ए बी की सेम साइड पे है. सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई एंड एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी ए. ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है. और इन्होंने क्या बोला है, ये ए पी और पी बी इक्वल है. फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट एंगल डी ए पी डी ए पी डी ए पी ये जो ट्रेंगल बन रही है आपकी, ये वाली जो ट्रेंगल है ये इसके कॉन्ग्रुएंट दिखानी है इस ट्रेंगल के. अब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, वी है एंगल डी ए पी, एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई बी पी. ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है हमें, ए पी इज इक्वल टू बी बी. ठीक है, और क्या दे रखा है हमें, एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू दे रखा है एंगल डी पी बी. डी पी बी ये दोनों चीज तो चाहिए हमें, लेकिन इसकी जगह ई पी ए की जगह हमें कौन सा एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल चाहिए. कौन सा एंगल चाहिए हमें, डी पी ए चाहिए है, ई पी ए नहीं चाहिए. डी पी ए कब बनेगा, अगर ई पी ए के अंदर मैं क्या ऐड कर दूं, ई पी ए ये एंगल बन गया, इसके अंदर डी पी ई और ऐड कर दूं, ये एंगल और ऐड कर दूं, तो पूरा बन जाएगा डी पी ए. तो मैंने क्या करा, दोनों साइड ऐड कर दिया एंगल डी पी ई. दोनों साइड करूंगी तो कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा. डी पी बी प्लस में डी पी ई, डी पी ई मैंने दोनों साइड ऐड किया है. ठीक है, जब मैं इस एंगल में ये ऐड करूंगी तो क्या बन गया, डी पी ए, एंगल डी पी ए. इस साइड हमारा था डी पी बी और ये हमने ऐड कर दिया तो क्या बन गया, ई पी बी, एंगल ई पी बी. अब देखिए ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल, दो एंगल और एक साइड इक्वल आ गई तो क्या आ जाएगी, देयरफॉर ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ई बी पी बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया. ठीक है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से आपका क्या आ गया है, ये कॉन्ग्रुएंट आ गया है. सेकेंड पार्ट प्रूव करना था, ए डी इज इक्वल टू बी ई, ए डी इज इक्वल टू बी ई. ये ए डी बी ई के इक्वल है, देखिए ए डी बी के इक्वल लिख सकते हो ना, किससे, सी पी सी टी रूल से. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच इज इन राइट ट्रेंगल ए बी सी. राइट एंगल ट्रेंगल है ए बी सी, मतलब एंड राइट एंगल एट सी, सी पे जो बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल है सी पे. एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ए बी इसका हाइपोटेन्यूज है, एम उसका मिड पॉइंट है, मतलब ए एम किसके इक्वल है, बी एम के इक्वल है. सी जॉइंड टू एम एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी, सी को जॉइन किया जाता है एम से और एक पॉइंट डी से मिलाया जाता है, सच दैट डी एम इज सी एम के क्या है, इक्वल है. ठीक है, शो दैट ट्रेंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल बी एम डी. ये जो दोनों ट्रेंगल है ए एम सी,
ये और ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या दिखानी है, कॉन्ग्रुएंट। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, AM BM साइड किसके, AM के इक्वल है, तो लिख देंगे फर्स्ट का सॉल्यूशन यही कर दो, AM इज इक्वल टू BM। ये MD इज इक्वल टू MC, ये एंगल और ये एंगल, एंगल BMD MD इज इक्वल टू एंगल CMA, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये क्या है आपके इक्वल है, ठीक है वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल है, दो साइड एक एंगल इक्वल, देयर फॉर ट्रेंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल BMD बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, अब सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या प्रूव करना है, ये ट्रेंगल दे रखी है हमें, इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, ये दो पैरेलल लाइन है, AC एंड BD आर पैरेलल, AC पैरेलल है BD की, तो ये BC किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, BC इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ये दोनों पैरेलल लाइन है और BC क्या है, ट्रांसवर्सल है और बिल्कुल स्ट्रेट ट्रांसवर्सल है ये 90 डिग्री का, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, एंगल DBC प्लस एंगल AC B इज इक्वल टू होंगे 180 डिग्री, क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो एंगल बनते हैं उसका सम कितना होता है 180 डिग्री। अब ACB एंगल कितना है हमारा, ACB 90 डिग्री, तो DBC क्या बच जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना प्रूव हो गया हमारा 90 डिग्री। अब इसी का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, DBC ट्रायंगल को ACB के इक्वल प्रूव करना है। अब ये जो दोनों हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का मतलब देखिए, ये एंगल तो इसके इक्वल आ गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C आ चुका है ये तो हमारे पास, और क्या आया है हमारे पास, AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD कहाँ से आया, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट में ही हमने प्रूव किया था AC इज इक्वल टू BD, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या थी, कॉन्ग्रुएंट थी हमारी, प्रूव किया था कॉन्ग्रुएंसी, तो CPCT से क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू BD। अब थर्ड चीज क्या प्रूव करनी रहेगी, एक एंगल हो गया एक साइड होगी, अब क्या एक साइड और इक्वल प्रूव कर दे तो हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ये देखिए BC साइड दोनों में ही है दोनों में कॉमन, तो BC इज इक्वल टू BC, क्यों क्या है ये कॉमन साइड है, BC के इक्वल, ACBD के इक्वल, एंगल B एंगल C के इक्वल, तो ट्रेंगल DBC क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रेंगल ACB के, कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी की हेल्प से। फोर्थ पार्ट है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, AB का हाफ दिखाना है हमें किसको, CM को, CM अब हमारा क्या है, CM और MD हमारे इक्वल है, CM और MD क्या है हमारे इक्वल है, CM इज इक्वल टू DM, क्यों, क्योंकि हमने बोला था ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये अगर मैं CM की बात करूं तो ये पूरी DC का हाफ नहीं हो गया, DC ये है हमारे पास, पूरा DC है, दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया DC को, तो हाफ हो गया ना, तो CM को क्या लिख दिया मैंने, हाफ ऑफ DC। अब ये है हमारे पास DC,
ये डीसी है, हमने जो थर्ड पार्ट प्रूव किया ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो डीसी किसके इक्वल होगा, ए बी, सीपीसीटी रूल से होगा कि नहीं होगा। तो डीसी की जगह मैं ए बी लिख दूं, डीसी की जगह लिख दिया 1/2 ए बी, क्योंकि सीपीसीटी रूल से जो हमने थर्ड पार्ट प्रूव किया है वहां से आ गया कि डीसी ए बी के इक्वल है, तो डीसी की जगह लिख दिया ए बी। तो सीएम किसके इक्वल आ गया, 1/2 ए बी। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।